हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हो आप? अच्छे हो ना? चलिए आइए आज हम पढ़ते हैं स्क्वायर एंड क्यूब। एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द परफेक्ट क्यूब्स इन द गिवन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 125 को फैक्टराइज करके हम ये देखेंगे क्या इसके फैक्टर्स क्या ट्रिप्लेट्स होते हैं। 125 को हम फैक्टराइज करें, ये डिवाइड होगा 2 से और 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये सीधे 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। सो द फैक्टर्स आर 5 × 5 × 5। देखिए यहाँ 5 का ट्रिपलेट हुआ तो ये परफेक्ट क्यूब है, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। 800 को हम फैक्टराइज करते हैं स्मॉल नंबर 2 से। 2 4 जा 8, 0 एंड 0। 2 2 जा 4, 0 एंड 0। 2 1 जा 2, 0 0। 2 5 जा 10 एंड 2 0 जा 0। 2 25 जा 50। अब 25 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा 5 से, 5 5 टाइम्स एंड 5 1 जा। अब हमारे फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स एंड 2 टाइम्स 5 × 5। तो 2 के तो एक ट्रिपलेट हमें मिल गए, लेकिन 2 का हमारे पास पेयर है और 5 का हमारे पास एक पेयर है, ट्रिपलेट नहीं है। सो इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 इज 729। 729 को हम फैक्टराइज करते हैं। नंबर 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके वंस डिजिट में नंबर 9 है, 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। नंबर 3 लेकर देखते हैं हम। 3 2 जा 6, 1 एंड 2, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। यस, 3 से डिवाइड हो गया। अगेन हम लेते हैं 3, 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3, 3 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। द फैक्टर्स आर 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 6 times। There is a triplet of 3. So it is a perfect cube. Clear ana students? Aiye likhte hain next question. क्वेश्चन नंबर 4 इज 2 7 4, इसे हम फैक्टराइज करें। नंबर 2 से करते हैं पहले। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 एंड 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अगेन 2 से, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं, हम इसे 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 3 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से करके देखते हैं। 7 4 जा 28, 28 − 34, 6 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। द फैक्टर्स आर 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 7। देयर इज अ ट्रिपलेट ऑफ 2 एंड 7। देयर इज ए ट्रिपलेट ऑफ 2 एंड 7, सो इट इज ए परफेक्ट क्यूब। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज 22,000। 22,000, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 0 जा, 2 0 जा, 2 0 जा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0 एंड 0, 2 2 जा 4, 1 एंड 5, 2 7 जा 14, 1 एंड 0, 2 5 जा 10, 0। अब ये 3 से डिवाइड, 2 से डिवाइड होगा क्या स्टूडेंट्स? अभी होगा। 2 1 जा, 2 3 जा 6, 1 एंड 5, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 3 से हो सकता है क्या डिवाइड? 3 4 जा 12, 1 एंड 7, 3 5 जा 15, 25 बचेगा, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा 5 से। 5 2 जा 10, 3 एंड 7, 5 7 जा 35, 2 एंड 5, 5 5 जा 25, सॉरी 5
5 5 जा 25 5 5 जा 25 5 1 जा 5 1 जा 11 1 जा। अब इसके फैक्टर्स हैं 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 into 5 into 5 into 5 into 11। अब यहाँ 2 के ट्रिपलेट और 5 के ट्रिपलेट हमारे पास है, बट 2 एंड 11 के हमारे पास ट्रिपलेट नहीं है, सो इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 832। 4 जा 8 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 0 जा 0 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 0 0 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 13 जा एंड 13 1 जा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास फैक्टर्स हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 13। तो यहाँ पर 2 के तो ट्रिपलेट है आपके पास, लेकिन 3 के कोई ट्रिपलेट आपके पास नहीं है। 3 इज अ सिंगल नंबर, सो इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं आइए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 256 विल मेक द प्रोडक्ट ए परफेक्ट क्यूब। आपको 256 को एक परफेक्ट क्यूब बनाना है। नंबर आपका 256 को पहले हम फैक्टराइज करके देखेंगे। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। सो द फैक्टर्स आर 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। 8 टाइम्स हमारे पास 2, सो 2 के दो ट्रिपलेट्स आपके पास बने, लेकिन एक पेयर बना आपका 2 का, सो देयर इज ट्रिपलेट ऑफ 2 into 2 एंड ए पेयर ऑफ 2। सो वी मल्टीप्लाई द नंबर 256 विथ 2 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। अब हम 256 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। द आंसर इज 2 6 जा 12, 1 2 5 जा 10 प्लस 1 11 2 2 जा 4 प्लस 1 5 512। अब हम 512 को मल्टीप्लाई फैक्टराइज करके देखते हैं। 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। सो द फैक्टर्स आर 2 into 2 into 2, देयर इज 3 ट्रिपलेट्स ऑफ 2, सो बन गया अब ये हमारा परफेक्ट क्यूब। देखते हैं स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1352 विल मेक द प्रोडक्ट ए परफेक्ट क्यूब। तो अब हमें 1352 को परफेक्ट क्यूब बनाना है। 1352 को आप करेंगे फैक्टराइज। 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 9 जा 18। अब 169 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 169 डिवाइड होगा 13 से, 13 13 जा 169 13 1 जा 13। सो द फैक्टर्स आर 2 into 2 into 2 into 13 into 13, देर इज अ ट्रिपलेट ऑफ 2 बट ए पेयर ऑफ 13, सो वी मल्टीप्लाइड
we multiply by number 13 to the number 1352. 1352 into 13, the answer is 13 to the 26, 6. Carry to 13 5 ja 65 66 67 6. 13 3 ja 39 40 45 5 13 1 ja 13 14 15 16 17. तो आइए अब हम 17576 को फैक्टराइज करके देखते हैं ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं. सबसे पहले हम लेंगे 2, 2 8 जा 16, 1 एंड 5, 2 7 जा 14, 1 एंड 7, 2 8 जा 16, 1 एंड 6, 2 8 जा 16. अगेन 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 एंड 9, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14. अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट्स, अब ये होगा डिवाइड नंबर 13 से. 13 1 जा 13, 8 एंड 9 89 हुआ, 13 6 जा 78, बचेगा आपके पास 11, 11 13 9 जा 170. अब 169 ऑब्वियसली 13 से डिवाइड होगा, 13 13 जा 13 1 जा 13. अब देखिए यहाँ पर 2 का और 13 का हमारे पास ट्रिपलेट हो गया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, सो इट इज अ परफेक्ट क्यूब. क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर्स विच आर नॉट क्यूब इन क्वेश्चन नंबर 1, गिव क्यूब नंबर्स. तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको जितने नंबर 6 नंबर्स आपको जो दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, उनमें से जो जो नंबर्स परफेक्ट क्यूब नहीं है उन्हें परफेक्ट क्यूब हम कैसे बनाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका परफेक्ट क्यूब नहीं था, 800 को हमें फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा. 2 4 जा 8 0 0, 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2 0 0, 2 5 0, 2 25 5 into 5 5 1 5. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका 2 5 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. तो 2 का हमारे पास 1 ट्रिपलेट है, बट 2 एंड 5 का हमारे पास पेयर है, तो हम यहाँ पर वी मल्टीप्लाई बाय द नंबर 2 इंटू 5 इक्वल टू 10. तो आप 800 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो द नंबर इज 8000. अब हमारा 8000 हम इसे फैक्टराइज करके देखते हैं. 2 4 जा 8 0 0 0, 2 2 जा 4 0 0 0, 2 1 जा 2 0 0 0, 2 5 जा 10 0 0, 2 50 2 1 2 2 2 4 2 5 10 5 5 5 2 10 5 5 25 5 5 25 5 5 25 and 5 1 5 5. हमारा ट्रिपलेट हुआ, 2 का ट्रिपलेट हुआ एंड 2 का भी ट्रिपलेट हुआ, सो द नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब. क्लियर है स्टूडेंट्स? ऐसे हम जो नंबर्स परफेक्ट क्यूब्स नहीं है उन्हें परफेक्ट बना सकते हैं. ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th 22000 परफेक्ट क्यूब नहीं था, उसे भी परफेक्ट क्यूब बनाना है. एंड 6th 832 उसे भी आपको परफेक्ट क्यूब बनाना है. सेम यही प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे, आपका नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. तो अभी के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही, आगे का नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.